और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम मोतिहारी जिला के लखौरा के गोला पकड़िया दर्जिया टोला में मौजूद है और यहां पे जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी ने एक को जान से मार दिया। हम पूरा मामला हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम ऐसे तो कागज का नियम से हीरा राय। अच्छा, ये पूरा वाकया कैसे कैसे हुआ थोड़ा बताइए हमें। शुरुआत से बताएं? हाँ, शुरुआत से बताइए। देखिए, 6 महीना पहले हमसे राम नारायण यादव जो गोला कहीं का है दरिया टोला ससुरारी में रहते हैं, वो हमसे जमीन मांगे दहादुर कि हमको ऑफिस बनाना है, चुनाव लड़ना है, हमको ऑफिस का बनाने के लिए जमीन आप दे दीजिए दहादुर, पैसा लीजिए या चाहे ऐसे दीजिए। हम कहें कि ऐसे का बात छोड़ो, पैसा का बात छोड़ो, हमारे इतना संख्या परिवार में है कि हमको अपने जमीन नहीं हटेगा, बना नहीं पाएगा लोग, तो तुमको जमीन कैसे हम दे देंगे। तो वो कहा कि अगर नहीं हम आप देते हैं तो एक दिन ना एक दिन मुझे खोजिएगा, आप कहिएगा कि हाँ राम नारायण जी आकर घर बना लीजिए। मैंने जबरन वाली बात, जबरन मगर जबरन बात किया। हम कहें कि राम नारायण वैसे बात नहीं है कि कोई अपना संपत्ति के लिए मर जाएगा लेकिन तुमको देगा। तो कहा कि ठीक है, अगर मरने का जब बात कर रहे हैं तो आपको देना होगा, नहीं तो मरना होगा। उसको बाद में क्या किया कि दूसरे पार्टी को खड़ा कराकर वो अपना पूरा लफुआ टीम का गेम ले आकर खड़ा कराकर एक टेलर ईटा रात को गिरवा दिया। अच्छा। रात को गिराने का बाद में उस टाइम में हम नहीं जाने, सुबह में जब हम पहुंचे तो देखे ईटा गिर गया है। उससे पूछे जब तक खड़ा हुआ था क्या अजय भरत महेश बैजू सजावल राम नारायण जो था कि बगल में लेकर, मगर उस टाइम में पिस्टल था उनको हाथ में, बंदूक लेके आए थे पिस्टन, हाँ लेकर मगर खड़ा था। तो हम इनसे बात किए, राम नारायण से बात नहीं किए, राम नारायण अच्छा हो रहा है? तो राम नारायण कहा कि अच्छा तो हो रहा है, याद करो पिछला दिन कि तुमने जमीन के लिए इनकार कर गया। हम कहे ठीक है। बाद में हम अपने भाई लोग को बुलाए, बुलाकर ईटा फेंकवा दिए। उसको बाद में वो लोग चुनौती देकर गया कि ठीक है आज फेंक दिया ईटा, लेकिन जिस दिन यहाँ घर बनेगा दरिया टोला धुआं से अंधेरा रहेगा, अंधेरा ही दिखाई देगा। अच्छा, इतना बड़ा खौफ बना के चल रहे थे। मगर कह दिया। हम कहे कि ठीक है बाबू, मेरे संपत्ति पाएगा तो अंधेरा नहीं 10 टोला अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे। उसको बाद में वो दिन तो खत्म हो गया उस दिन का। उसको बाद में क्या किया कि फिर एक दिन ले आकर चार और कहीं से बनाकर चढ़ाने का प्रयास किया। हम मोतिहारी में थे, हमारे भाई लोग खबर छपरी वगैरह वो लाए, हाँ मैं जबरदस्ती, और जब फोन किए हमारे भाई लोग तो हम थाना को फोन किए, थाना आकर कवर किया। जब थाना आया तो वो लोग भाग गया। उसको बाद में दोबारा जब गया, फिर थाना जाने के बाद में गया तो भाई फोन किया, तो हम आकर जब वहां से जब चले आए, जब हम पहुंचे जब तक वो लोग भाग गया। वहाँ उस टाइम में कम से कम 40-50 आदमी अलग था या ये 5 आदमी लोग मौजूद, और राम नारायण पिस्टल लेकर खड़ा था, 6 आदमी मैंने विपक्षी जो है वो 40-50 आदमी से आए थे, 50 आदमी, लेकिन ये लोग मौजूद वहाँ या वो लोग अलग अलग थोड़ा मगर दूरी देकर था लोग। ये दिन खत्म हो गया, उस दिन भाग गया लोग। आज 10 तारीख का कहानी है कि हम मगर अपने दरवाजे पर बैठे थे, वो हमारे भाई को पकड़ कर ले गया उसी खेत में, कुछ जबरदस्ती इसे कहवा रहा था जो दे दो। ये कहा कि हम नहीं कुछ जान रहे हैं, भोजपुरी में बताया कि हम नहीं ना जाना था नहीं। ओकरा बाद में जब इको अलग पहले हमारे छोटा भाई राम प्रवेश ये देखल तो कर जाए तो कहे हमारा भाई के दब दिया बड़े तोरा जबरदस्ती कुछ से ले लेवे का, मालिक हमने न बनी, मालिक हमारे बड़न उनका से पूछ। ओकरा बाद में कहा भेल कि इस बात होते रहे ताले हम पुगने हम जाए बउआ काहे ला हाला कहले बड़ा का बात भाई तोहर का भुलाल बहो। तो हमारे ईटा नुबा है ना कहते घर बनावे के, मैंने कहाँ तो तोहरा में, हम मैंने हमारा में बनाए बहो तले हमारा के ढाका दे दलन, ढाका दलन तो हम हम जाए कहनी तू चल जाए अलग से, वो चल गलन तले हमारे भाई से हमने रह गए नहीं यहाँ, हमारा भाई के साह के ले गए लोग। ओकरा बाद में लागल लोग मारे, जब मारे लागल लोग तो एकाएक लोग जाइत गए आँख का सामने बागे सब लोग के कपार फाट गए बा। हम गए नहीं तो वो लोग कहे जे ना हाय प्यास बोलू लागल बा हीरा ला, सब कोई के कहना बा हाँ हीरा राय के मार दे भाई चीज पे। अभी 10 टोला में पूछम तो बता, मेन मुखिया के मार दे तो सारा कुछ हम कहना बा कि अगर हीरा राय के मार दई तनी तो ये मैं केकरो से कोनो ना कहाई ना सुनाई ना जमीन के मैटर रही, वो जमीन के कैप्चर हम कर लेब। तो चुनौती दे दिले बाकी जब ले तोहरा के ना मारम तो ले ना छोड़म। आज भी अगर केस मुकदमा सब कुछ मार पे उसे हो गए भाई, कलम पहले दूसर का दिन ही घटना भेल, तीसर का दिन जब हमने हॉस्पिटल में पटना में बानी तब क्या कहल बन कि सारा केवाड़ी तूर के आज जनी जात के खोजत बोल खेदलन माल जाल के जोर पगा काट के बेला दलन, टोटल माल हमारे अभी तक आपका सामने है कि माल नहीं है। 10 तारीख की कहानी है। माल वाला 11 तारीख को नहीं, 11-12 दोनों दिन किया है,
तब 11 के किया तो सब लोग को हम वहाँ से हॉस्पिटल से कह दिए कि रहने दो, कोई बात नहीं, धमकी दे रहा है। 12 को जब सबको मारने पीटने जब तो लूटने का प्रयास कर दिया तो हम कहें कि ठीक है हम नहीं है, तो तुम सब क्या करो कि अपने प्रतिष्ठा बचाना ही पड़ेगा। मैंने वो लोग हाँ, पूरी तैयारी चाहे थे और मारपीट हाँ, आप लोगों के साथ में हाँ, किया। कितने लोगों को घायल किया आप लोगों ने? घायल कर दिया, चोट देखिए चोट तो लगा है या कम कम घाव लगा है, 5-6 आदमी का अलग, अब 5 आदमी जो है कि पूरे घायल है, एक आदमी का मृत्यु के कहेंगे। थोड़ा सा जूम करके बता देखिए, ये भैया हैं इनको भी घायल किया गया है विपक्षी के द्वारा, और वहाँ पे मैडम है उनको भी घायल किया गया है, और यहाँ भी घायल किया गया है, और तो इसके लिए आपने पुलिस को आवेदन आपने दिया आपने? हाँ, पुलिस को आवेदन दिए हैं। पुलिस कहा कि इतना अत्याचारी को तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसको लिए कोई मर्द इसमें तुम्हारे पंचायत में जन्म नहीं लिया है। हम कहें कि हम उतना तो मर्द पंचायती में जन्म नहीं लिया है, लेकिन जवाब देने के लिए अपने संपत्ति के लिए हमको अपने संपत्ति के लिए नहीं बाजेंगे, हम इनसे मुकाबला करेंगे। तो वही सब बात हुआ, और जाकर क्या हुआ कि अब अपना भाई को लेकर पटना मगर पीएचडी में भर्ती किए थे, रात लेकर आए हैं, अभी जो पूरा परिवार को हमने इकट्ठा किए हैं, मेरा परिवार नहीं था यहाँ, कोई बचा नहीं था तीनों घर का, उसका पत्नी को अभी जीने इतना बड़ा अत्याचार मतलब कर रहे हैं इसको, मगर अत्याचार से तो इलाका जड़ा गया है, लेकिन अभी भी हमने कि प्रशासन कई लोगों को विपक्षी वाले को अरेस्ट में किया है, अरेस्ट में 3 आदमी, 4 आदमी, रामदा नारायण भोला क्या संतोष आयोग के नाम क्या है सत्येंद्र, 4 आदमी को गिरफ्तार किए हैं लोग, ये बात नहीं है, अभी बाकी का छानबीन कर रहे हैं। किस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? अब हम इसको मगर हम इनसे न्याय मांगते हैं, मुझे न्याय चाहिए, अगर जब न्याय नहीं मिल रहा है तो हम तो थोड़ा दुखित होकर कहीं कुछ सहारा लेवे करेंगे। पकड़वाया है उसमें अभी कठघरा में रखा गया है, कल पकड़ाया है ना तो अभी कठघरा में है, अभी शायद नहीं भेजे हुए हैं। हाँ यही तो इतना तक बात है। अब जरा इस बात को समझिए कि इस 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर है कि इसके सर से इसके पापा का साया उठ गया, और ये 5-6 साल की बच्ची है इसके सर से भी पापा का साया उठ गया। अब ये अपने जीवन में अगर बड़ा होती है पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो जरा किसको पापा बोलेगी, और इसका जीवन यापन कैसे चलेगा? और इनके मम्मी से ही बात करते हैं, और वो नाम कौन सी बाम देखिए किस तरह से बिलक बिलक के रो रही हैं। आखिर इनके सर से इनके पति का साया चला गया, और यहाँ पे देखिए कि सौ को यहाँ पे लेटाया गया है, हालांकि इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मारपीट बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है, इतना जबरदस्त तरीके से हुआ है कि 2-3 दिन इलाज हुआ हॉस्पिटल में, फिर भी इनकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि विपक्षी के द्वारा देखिए इनके सर पे हमला किया गया है, इनके सर पे भी हमला किया गया, जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है, और इन महिला के ऊपर भी हमला किया गया, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। और चाचा जो बता रहे थे कहाँ पे आपके ऊपर हमला किया गया था, पेट पे हमला किया गया था, और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से गुलटी वहाँ पे निकल चुका है, और प्रशासन 3-4 लोगों को जरूर पकड़ा है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि प्रशासन किस तरह से संज्ञान इस मामले को लेता है, जबकि ये मर्डर का है, जमीनी विवाद का है। कैमरामैन मुन्ना के साथ ब्यूरो।